हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ करण जी के विद रिवीजन। माई सेल्फ राकेश कुमार। सो लेट्स स्टार्ट टुडे इज द वीडियो। सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द टुडे, किस राज्य ने मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना शुरू की? क्वेश्चन, विच स्टेट लॉन्च मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना? सो ऑप्शन आर उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गुजरात। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द गुजरात। बाकी के जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनकी बात करते हैं। उत्तराखंड की अभी अपनों ने कल ही बात की थी कि यहाँ पर पहला हर्बल म्यूजियम ओपन हो रहा है, दूसरा यहाँ पर वर्ल्ड का लार्जेस्ट लाइकिन पार्क ओपन हुआ। फिर बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश सरकार ने अभी एक कैंपेन लॉन्च किया जिसके अंदर एक मास्क अनेक जिंदगी स्टार्ट किया गया। इस कैंपेन में कोई भी व्यक्ति मास्क लेकर आएगा, उनको एक जगह इकट्ठा किया जाएगा और फिर उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। फिर बात करते हैं महाराष्ट्र की। सो महाराष्ट्र ने अभी एक बाढ़ की चेतावनी के लिए आई फ्लोज नाम का ऐप लॉन्च किया। यहाँ पर महारोजगार पोर्टल लॉन्च किया गया, महापर्व योजना स्टार्ट की गई। फिर बात करते हैं मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना की। मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना बेसिकली प्रधानमंत्री बीमा फसल योजना का स्थान लेगी, जो कि एक साल इसी साल के लिए होगा। अब एक्चुअली प्रधानमंत्री बीमा फसल योजना और मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना के अंदर डिफरेंस ये है कि मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना के अंदर गुजरात के जितने भी फार्मर हैं वो सभी इसमें इंक्लूड हो जाएंगे, बट जो PMFBY योजना है इसके अंदर सिर्फ वो ही फार्मर इंक्लूड होते हैं जो कि इंश्योरेंस लेते हैं। बाकी प्रधानमंत्री बीमा फसल योजना जो है उसके अंदर बेसिकली 1700 से 1800 करोड़ रुपए का बजट स्टेट गवर्नमेंट देती है और जितना ये पे करती है उतना ही सेंट्रल गवर्नमेंट भी पे करती है। नेक्स्ट बात करते हैं गुजरात के बारे में। सो यहाँ पर इंडिया का मैप शो किया गया है। इंडिया के मैप के अंदर ये वाला जो पोर्शन है गुजरात का पोर्शन शो किया गया है। गुजरात के साथ इंडिया की तीन स्टेट्स की बाउंड्री टच होती है, जिसके अंदर फर्स्ट है राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, एंड एक यूनियन टेरिटरी भी है यहाँ पर, दादर और नागर हवेली भी यहाँ पर इसके साथ टच है, और दूसरा दमन एंड दीव। अभी दादर नागर हवेली एंड दमन एंड दीव को एक ही बनाने के लिए बोला गया है। नेक्स्ट बात करते हैं गुजरात के बारे में। यहाँ की जो कैपिटल है गांधीनगर, यहाँ के चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी जी हैं, गवर्नर आचार्य देवव्रत। इसका जो फॉर्मेशन हुआ 1 मई 1960 को हुआ, जो कि महाराष्ट्र से अलग हुआ था और इसी दिन महाराष्ट्र का भी फॉर्मेशन हुआ था। यहाँ का जो डांस है गरबा डांस है। यहाँ पर कुछ नेशनल पार्क भी हैं जो फेमस हैं, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क है, ब्लैक बर्ग नेशनल पार्क, मैरीन नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ कच जिसे कहा जाता है, वनसाद नेशनल पार्क। सो ये कुछ नेशनल पार्क्स थे। अब बात करते हैं यहाँ पर विधानसभा की। 182 सीट्स है, लोकसभा की 20 एंड राज्यसभा की 11 सीट्स प्रजेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं करंट न्यूज ऑफ गुजरात। सो अभी यहाँ पर एक स्कीम लॉन्च की गई थी एट वन क्लिक फॉर MSME, मीडियम स्कोर स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए जो भी लोन प्रोवाइड हो सकता है वो एक क्लिक पर ही लोन यहाँ पर प्रोवाइड हो जाएगा। अभी 2020 की एक रिपोर्ट आई जिसके अंदर 2019 में सोलर रूफ इंस्टॉलेशन के अंदर गुजरात ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। फिर बात करते हैं इंडिया के अंदर या फिर इंडिया की फर्स्ट हनी टेस्टिंग लैब भी यहीं पर सेटअप हुई है, जो कि आनंद डिस्ट्रिक्ट में हुई है। फिर बात करते हैं जो गुजरात है, गुजरात की पुलिस इंडिया की पहली पुलिस बनी है जिसको टेसर गन प्रोवाइड करवाई गई है। फिर जो अभी वाटर मैनेजमेंट है, नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई थी उसके अंदर गुजरात ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। इंडिया की पहली रेल यूनिवर्सिटी भी यही है, स्टेचू ऑफ यूनिटी भी यहीं बनाई गई है। आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ जिसका आंसर आप कमेंट्स में देंगे कि जो स्टेचू ऑफ यूनिटी है उसको डिज़ाइन किसने किया था और इसकी जो हाइट है वो कितनी है।
नेक्स्ट बात करते हैं, वर्ल्ड का पहला सीएनजी पोर्ट टर्मिनल भी यहीं बनेगा और कंट्री का फर्स्ट एमिशन ट्रेडिंग स्कीम भी यहीं पर लॉन्च की गई है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। राहत कुरैशी जिनकी हाल ही में मृत्यु हुई वो कौन थे? हु वॉज राहत कुरैशी दैट पास अवे रिसेंटली? सो ऑप्शंस आर पॉलिटिशियन, आर्टिस्ट, सोशलिस्ट एंड पोएट। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द राहत कुरैशी साहब एक पोएट थे। इनकी एक बहुत ही फेमस पोइट्री है जो थी, जिसका नाम या फिर जो आप लोगों ने सुना होगा कि बुलाती है मगर जाने का नहीं। सो नेक्स्ट बात करते हैं राहत कुरैशी जी के बारे में। राहत कुरैशी इनका एक्चुअली ओरिजिनल नाम था, लेकिन इनका जो फेमस नाम था वो राहत इंदौरी था। ये इनका जन्म इंदौर में हुआ और इनकी मृत्यु भी इंदौर में ही हुई, इसी वजह से ये इंदौरी के नाम से ज़्यादा फेमस थे। इनका जन्म 1 जन 1950 को हुआ और इनकी जो डेथ हुई वो 11 अगस्त 2020 को हुई थी। बेसिकली राहत इंदौरी साहब इंडियन बॉलीवुड लिरिक्स थे और उर्दू लैंग्वेज के कवि थे। इसके साथ साथ ये फॉर्मर प्रोफेसर थे उर्दू लैंग्वेज के और पेंटर भी थे। इनकी जो मृत्यु हुई वो हॉस्पिटल में कार्डिक अरेस्ट की वजह से हुई, लेकिन ये साथ में कोविड-19 पॉजिटिव भी पाए गए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 1917 के युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों की याद में कौन सा देश वार मेमोरियल बना रहा है? क्वेश्चन, विच कंट्री विल कंस्ट्रक्ट अ वार मेमोरियल फॉर इंडियन सोल्जर्स हु मार्टियर्स इन 1971 वॉर? सो ऑप्शन आर चाइना, श्रीलंका, बांग्लादेश एंड रशिया। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द बांग्लादेश। बांग्लादेश 1917 का जब युद्ध हुआ था तब बांग्लादेश को पाकिस्तान से स्वतंत्रता दिलाई गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं बांग्लादेश के बारे में। यहाँ पर मैप शो किया गया है जिसके अंदर इंडिया एंड बांग्लादेश की बाउंड्रीज टच हो रही है। बांग्लादेश के साथ हमारे देश की सबसे ज़्यादा बाउंड्री टच होती है। इसी के साथ साथ यदि बात करते हैं तो बांग्लादेश के एक साइड में बे ऑफ बंगाल है, इसके बाकी जो तीनों साइड्स है वहाँ पर इंडिया की बाउंड्रीज टच होती है। बाकी इसके साथ वेस्ट बंगाल जो स्टेट है उसकी बाउंड्री टच होती है, इसकी जो असम है उसकी बाउंड्री टच होती है, मेघालय की बाउंड्री टच होती है और इसके साथ साथ यहाँ पर जो त्रिपुरा है उसकी बाउंड्री भी टच होती है। नेक्स्ट बात करते हैं बांग्लादेश के बारे में। यहाँ की जो कैपिटल है वो ढाका है। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जी, प्रेसिडेंट अब्दुल हमीद है। यहाँ की जो करेंसी है वो बांग्लादेशी टका है और इसके साथ यहाँ पर बिम्सटेक का हेडक्वार्टर भी प्रेजेंट है। बाकी बात करते हैं करंट न्यूज़ ऑफ बांग्लादेश। अभी हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट ने 10 डीजल लोकोमोटिव्स बांग्लादेश को प्रोवाइड करवाए हैं। यहाँ का एक फेमस टेम्पल है 300 ईयर ओल्ड, जिसका इंडियन गवर्नमेंट रिकंस्ट्रक्शन करवा रही है, जिसका नाम श्री श्री जोयकाली माता टेम्पल है। अभी हाल ही में रिलायंस और जापान की कंपनी जेरा दोनों कंबाइन होकर बांग्लादेश में एक पावर प्लांट ओपन कर रही है। बांग्लादेश ईस्ट एशिया का पहला ऐसा कंट्री है जिसने ई पासपोर्ट लागू किया हुआ है और बांग्लादेश ने पहला अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप भी जीता, जो कि उन्होंने फर्स्ट टाइम जीता है। नेक्स्ट बात करते हैं रशिया के द्वारा बनाई गई कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ न्यू कोविड-19 वैक्सीन ऑफ रशिया? सो ऑप्शंस आर PFZ USA, बायो एन टेक जो कि जर्मन बायोटेक कंपनी है जिन्होंने अभी BNT162b1 नाम से एक वैक्सीन पे काम कर रहे हैं, कोरोनिल जो कि इंडिया की है जो कि बाबा रामदेव द्वारा विकसित की गई लेकिन इसको मान्यता नहीं मिली है, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है स्पुतनिक 5। ये रशिया के द्वारा बनाई गई वैक्सीन्स है जिसके अंदर यहाँ के जो राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन साहब, उन्होंने कहा है कि उनकी जो बेटी है उस पर इसका ट्रायल हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल यूथ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। सो ऑप्शंस आर 12 अगस्त,
9th अगस्त, 7th अगस्त एंड 6th अगस्त। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ द 12th अगस्त। इसी दिन इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है। बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनकी बात करते हैं। 9th अगस्त को नागासाकी डे मनाया जाता है, 7th अगस्त को नेशनल हैंडलूम बनाया गया एंड 6th अगस्त को हिरोशिमा डे मनाया जाता है। यहाँ पर जो अपने बात कर रहे हैं वो बात की है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की। यदि आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो वो इंडिया के अंदर 12 जैन को मनाया जाता है। उस दिन स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन होता है। इसी के साथ यदि बात करते हैं कि इस बार की जो इंटरनेशनल यूथ डे की जो थीम है वो रखी गई है यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कल के क्वेश्चन की। MS स्वामीनाथन पर्यावरण सुरक्षा अवार्ड 2020 किसने जीता? हु वॉन द MS स्वामीनाथन अवार्ड फॉर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन 2020? सो इसका जो राइट आंसर है वो है RS करोदा। बाकी बात करते हैं आज के क्वेश्चन की। EIA का पूरा नाम क्या है जो कि पर्यावरण से संबंधित है? वॉट इज़ द फुल नेम ऑफ द EIA दैट इज़ रिलेटेड टू एनवायरमेंट? इस क्वेश्चन का आंसर भी आप मुझे कमेंट्स में देंगे। आज आपके पास कमेंट्स में देने के लिए 2 क्वेश्चंस के आंसर हैं। सो ये था आज का वीडियो। बाकी बात करते हैं, यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो उसे शेयर कीजिएगा एंड लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।